राम जय माता दी, दुपट्टा सारा फट गया। और बहुत अच्छा है, इसको मैं सिल दूंगी शाम के टाइम, देखती हूँ ना इन्हीं कपड़ों के साथ का आई। और कपड़े भी बहुत अच्छे, सिले भी बहुत अच्छे हैं और है भी बहुत अच्छे। गर्मियों के लिए वो थोड़े पतले पड़ गए हैं ना, तो मेरे को अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है उसको मैं छोड़ती नहीं, उसको जब तक बेचारी को बिल्कुल अलग थलग नहीं हो जाए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और पीछे कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना। तो सुबह का क्या 12 बजने को होंगे। मैंने अब मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड आपको बता दूं, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। और जितनी ज़्यादा मुझे लगी थी उसके हिसाब से मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि बहुत कम में जो है अब याद आता है ना मुझे, मुझे वो जगह याद आती है। मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे आज उस दिन के बाद, कि अगर कुछ ज़्यादा हादसा हो गया होता, मैं नीचे गिर गई होती तो बहुत डर लगता है, अभी भी बहुत डर लगता है। तो उसके हिसाब से मेरे जो ज़्यादा दर्द है वो ये वाला जो मुंडा है, कंधा मतलब हमारा मुंडा बोलते हो, और पीछे यहाँ पे इस सर पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पत्थरों पड़ी। और टांग में अभी दिखाती, इतना नील, इतना ज़्यादा नील लगा रहा है ना। लेकिन मैं काम कर रही हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मिस्त्री भी लगा रखे हैं, आप लोगों को पता ही है कि फिर हन्ने के पापा भी कहाँ हैं बेचारे, वो ठीक ही, मैं उनसे करवाऊँ। बच्चे भी कर रहे हैं, पशु भी बहुत है ना, 4 गायें, तो फिर थोड़ा थोड़ा तो सबको ही करना पड़ता है। मैं आपको आसपास का व्यू दिखाती हूँ और फिर मैं आपको नीचे चल के बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। आसपास का व्यू तो ये रहा जो कि रोज़ देखते हो, लेकिन जितना ज़्यादा देखे ना उतना ही कम लगता है। ये लगा दी यहाँ पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता क्या मेरे को बोल रहे थे बोले टांकियों में पानी कम है, मैं कुछ चेक कर लेती हूँ एक बार वाकई में। नहीं खाली का, आज का दिन निकल जाना, आज का दिन निकल जाएगा, काफी है। अब भगवान करे कि गर्मियां हो जाए, हमारे गर्मी होती ही नहीं है। धूप थोड़ी ज्यादा चमक जाती तो फिर पता क्या होता है हमारे ना, कणक पक जाती, फिर आगे के लिए मक्की का इंतजाम भी होना था। आज तो मौसम वैसे साफ है, 2-4 इसी तरह की धूप रही ना फिर पक जाएगी कणक, फिर नहीं है दिक्कत कोई नहीं, फिर पक जाएगी। और ये देखो यहाँ पे नीचे, ये मैं आपको शाम के टाइम बताऊंगी कि क्या क्या काम हुआ है, ये आपको शाम के टाइम बताऊंगी दूसरी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा मैं ना इसी वीडियो में कचनार का अचार भी आपको बता दूंगी। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, 1 बजे रोटी खानी है इन्होंने, टाइम क्या हो गया 11:47 हो गए। मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और यही वीडियो एडिट करनी है आज की। तो कचनार की कलियों का अचार भी डाल देते हैं, इस बार मैं ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से डालूंगी, ठीक है। तो देखो इस बार मैं बिल्कुल इजी तरीके से डालूंगी जो कि खराब नहीं होगा, ठीक है। बच्चा कहाँ है मम्मा का, मम्मा की जान कहाँ है, मम्मू कहू मैं बच्ची जो सिंदरू आज मेरे ना कब 3 दिन हो गए मेरे को, जिस दिन मैं गिरी थी दुपट्टा इसका आज करूँ कुछ, देख दिखाऊं ये देखो, 1-2 जगह से फट गया, गल गया है ना ये, क्योंकि वे बारीक पड़ गया, मतलब पतला पड़ गया है, बारीक नहीं सॉरी पतला, तो उस वजह से गल गया है। तो अभी मैं पहले ना उसमें कर लेती हूँ अपना अचार थोड़ा सा ना जो है ये कचनार की कलियों का, तो उसके लिए मैं पहले मसाले ढूंढ लेती हूँ। और यहाँ पे अगर आपने कंडीशन देखनी होती ना तो आप लोग हैरान होते, मैं सही बोल रही हूँ, बतेरा समझाया भाई ये नहीं करते, सफाई के मामले में 0 है। देखो यहाँ पे मैंने ना पहले इसका ही मसाला कर लेती हूँ, मैं तैयार था वहाँ गर्म था, तो आज पता क्या नहीं था मेरे पास, आज दिखाती हूँ मैं आपको, सौंफ नहीं थी, बाकी तो है सारे, राई थी वो डाल दी मैंने, काली मिर्च डाल दी और थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और मेथी दाना, क्योंकि थोड़ी सी कलियाँ है ना तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, वैसे मेरे पास बहुत सारी कलियाँ थी पर मैं दाती हूँ ना, मैं बांट देती हूँ, बड़ी आई भाई पहले अपना कर ले जो कर रही है, ये पता नहीं कहाँ से इंसान सामने होता है तो फिर मेरे को थोड़ी सी दया आ जाती है। चलिए चिटक चिटक करके ना सारी उड़ रही है यहाँ से, बस इतना सा ही रोस्ट करना है इनको, ज्यादा नहीं,
कैसी हालत है मेरी तुझे मैं बताऊं, क्या कहानी है मेरी तुझे मैं सुनूं। अभी मैंने रख दिया ये बर्तन, इसमें डालेंगे हम तेल, ठीक है। और कलियां हैं वो ऐसे रखी हुई मैंने, इसको उसमें रख देती हूँ, ठंडी चीज मैंने तो ये जल जाएगी। जो मसाला था ना वो तवे के ऊपर से उठाना पड़ेगा, तवा गर्म है ना बहुत ज्यादा। तो इसमें हम डालेंगे तेल, आप देखते रहो, बस ज्यादा नहीं डालना, इतना सा काफी मेरे ख्याल में। और जो गिटलियां वगैरह होती है ना कचनार की, जो दवाई बनती है, ठीक है, बहुत काम आती है। अब कलियां नहीं रही, अब बाकी और चीजें तो फूल तो मिल जाना, लेकिन कलियां नहीं रही। अब चार कलियों का ही बनता है, यहाँ निकालते है कोई नहीं। तेल को ना खूब खूब गर्म करना है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म नहीं करना, क्योंकि इस बार हम जो कलियां हैं वो कच्ची डालने वाले हैं बिना उबाले। आप लोग कैसे बताते मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये मैंने धो के सुखा ली थी, ठीक है। ये देखो ये कचनार की कलियां, बीच में एक दो फूल भी है वो भी चलेगा। तो ये देखो अभी हमने ना एक इसमें डाल देने इस तरह से, ठीक है, और हमने इनको रोस्ट करना। ये नया तरीका है, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से बनाते हो, ठीक है। पिछली बार मैंने थोड़ा अलग तरह से बनाया था और इस बार मैं थोड़ी अलग तरह। वाह, ये तो तेल में डाल के हरी हो गई, क्या बात है। वो देखा हमने इनका रंग एकदम चेंज हो गया। ये देखो अब जो हमने आंच ना धीमी कर देनी है, तो ज्यादा ही धीमी हो गई। और इस इनको ना ऐसे ही फ्राई करना है थोड़ी देर। चलिए हाँ, तो ये देखिए मैंने इनको फ्राई कर दिया है, और अब इनको हम ना इनको ठीक फ्राई कर लेना है, ये नहीं आपने करना कि बस थोड़ा सा ही किया। अब इनको हम छोड़ देंगे ऐसे ही, ये देखो ठंडा नहीं होने देना, इनको ऐसे ही रखना है, ठीक है। और अभी हम इसी से, मैंने गैस बंद कर दी है और ये डाल दिया मैंने इसमें मसाला, और साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हल्दी डालते नहीं अचार में, तो नमक, मतलब थोड़ा सा अचार हो ना तब डाल देते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये नमक, नमक तो हमेशा ज्यादा ही रखना होता है अचार में, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने डालना ऐसे होता, वैसे जरूरत नहीं होती, पर पता कैसे ऐसे क्या होता है, खराब नहीं होता अचार। और कहाँ जा रहा है कैमरा मेरे साथ साथ ही, सिरके से क्या होता है ना, मैं लेके आई हूँ इस बार, सिरके से खराब नहीं होता। और बिल्कुल थोड़ा सा डाल विनेगर, व्हाइट विनेगर। चलो जी हो गया, बन गया हमारा अचार। अब इसको ठंडा होके हम डाल देंगे डब्बे में, और ये लो। बाकी मेरे को आप लोग बताना कि आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब तो नहीं बनेगा, अब तो फूल गई सारी कचना, अगले साल को ठीक ठाक रहे तो फिर उस तरह से भी बनाएंगे। ये लो जी, ये देख सकते हैं आप, मैंने मिर्चों का डालना, दुकान से मिर्ची लेके आऊंगी, उनका अचार डालूंगी, बहुत अच्छा लगता है। ये लो बन गया ना कचनार का अचार। चलिए बताना मुझे आप लोगों को कैसा लगा।